तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि जिमनास्टिक रिंग्स को प्रॉपरली एक पुलअप बार से कैसे लगाते हैं। बिकॉज अपेरेंटली आप में से बहुत सारे लोग जिमनास्टिक रिंग्स तो खरीद लेते हैं बट आप लोगों को लगाना ही नहीं आता। ना हम जस्ट किडिंग गाइस, अगर आप जिमनास्टिक रिंग्स को तो लगाने का एक मेथड है और अगर आप गलत तरीके से लगाते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। वॉच दिस, समझ लीजिए आप डिप्स करना चाहते हैं और जिमनास्टिक रिंग नीचे गिर गया। लेट्स लर्न हाउ टू प्रॉपरली फिक्स अ जिमनास्टिक रिंग। तो गाइस पहला स्टेप ठीक से देखो, ठीक है? आपका जो जिमनास्टिक रिंग का जो बकल है उसको आपको ऐसे पकड़ना है, मतलब सीधी तरीके से पकड़ना है, ऐसे उल्टा नहीं पकड़ना, ठीक है? ऐसे सीधी तरीके से पकड़ना है और पुल अप बार के थ्रू ऐसे लाना है सो दैट अब बकल का उल्टा साइड आपको फेस कर रहा है, ठीक है? इसके बाद गाइस जो जिमनास्टिक रिंग है आपको उसको लेना है एंड स्ट्रैप से आपको ऐसे निकालना है, ठीक है? बकल आपको बकल का पीछे की तरफ आपको फेस कर रहा है एंड देन इसको ऐसे निकाल के ऐसे होल्ड करना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी आपको स्ट्रैप का इस साइड को पकड़ के इसको ऐसे पुल डाउन करना है टिल द अदर साइड ऑफ द स्ट्रैप आपके बकल के अकॉर्डिंग लेंथ हो जाए। तो आपको इतना दूर पुल करना है कि स्ट्रैप के एक और एंड बकल के एक और एंड से मीट करे। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब ये बकल और ये स्ट्रैप्स अलाइन हो गए हैं, नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आपको बकल से कैसे इस स्ट्रैप को निकालना है, ठीक है? इसके बाद दो गलत मेथड्स मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ठीक है? पहला गलत मेथड है कि ये कि आप स्ट्रैप्स को ये जो होल देख रहे हैं आप यहाँ से आप निकाल के फिर आप स्ट्रैप्स को ऐसे खोलते हैं, ये जो क्लैम्प है इसको खोलते हैं। ये क्लैम्प खोलने के बाद इसके नीचे से ऐसे निकाल देते हैं बट दिस इज़ नॉट सिक्योर एट ऑल। तो जब आप ऐसे निकालते हैं तो ये एकदम सिक्योर नहीं रहता बिकॉज आप देखिए कैसे ये नीचे चला जाएगा, ठीक है? देखा कैसे आराम से चला गया। तो ये आपको यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से अगर डालेंगे तो नहीं होगा। एक और मेथड है कि आप सिंपल बकल को ऐसे होल्ड करते हैं और स्ट्रैप्स को ऐसे नीचे से फिर निकाल देते हैं। इससे भी नहीं होगा बिकॉज फिर से देखिए कैसे आराम से मैं निकल पाता हूँ। सो नाउ लेट्स गेट टू द करेक्ट वे। करेक्ट वे है कि बकल के आपको ऐसे ऊपर से निकालना है, ऐसे नीचे से नहीं, यहाँ से निकाल के ऐसे नीचे से नहीं। बकल जो है इसके नीचे से स्ट्रैप्स को ऐसे घुसाना है एंड नाउ लुक, जितना भी पुल करूँ ये मूव नहीं करेगा। अगर आप लोगों को मैं फिर से दिखाऊँ, आपको इन दोनों को एक साथ लाना है फिर इसके ऐसे नीचे से फिर आपको क्लैम्प ऐसे यहाँ से खोलना है एंड ऐसे नीचे से इसको निकाल देना है टिल जो जिमनास्टिक रिंग्स है वो डिजायर्ड हाइट तक पहुँच जाए। एंड आप अभी देखेंगे कि अभी मैं इस पे जितना भी पुल करूँ ये कहीं पे भी मूव नहीं होने वाला है। मैंने अमेजोन पे बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं रिगार्डिंग जिमनास्टिक रिंग्स की, भाई क्लैंप टूट गया या फिर ये स्लिप कर रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए एक अच्छे प्रोडक्ट को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर भी वो टूट ही जाएगा यार। दीज जिमनास्टिक रिंग्स आर फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड जॉय फिट एंड आई पर्टिकुलरली लव दिस जिमनास्टिक रिंग्स बिकॉज इसका जो स्ट्रैप थिकनेस है दैट इज 1.5 इंचेस प्लस इसमें नंबरिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जिमनास्टिक रिंग यार। अगर जिमनास्टिक रिंग्स नंबरिंग नहीं होंगे तो आप उसको लेवल, मतलब दो जो रिंग्स है इन दोनों रिंग्स को लेवल कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। नंबर के बगैर अगर जिमनास्टिक रिंग्स लोगे तो कभी भी दोनों एक लेवल पे नहीं ला पाओगे, आधा एक घंटा लेवल करने में लग जाएगा तुमको। इफ़ यू वॉन्ट टू बाई दिस जिमनास्टिक रिंग्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इस इन जिमनास्टिक रिंग्स का लिंक छोड़ दूंगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर जिमनास्टिक रिंग्स दीज आर द ओनली जिमनास्टिक रिंग्स दैट आई रिकमेंड इन इंडिया बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर जिमनास्टिक रिंग्स में ऐसे नंबर्ड नहीं रहते हैं। अनदर ग्रेट थिंग अबाउट दिस जिमनास्टिक रिंग्स इज की आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे द नंबरिंग्स दैट हैव बीन डन, ये एक वाइट मार्कर लेके सिर्फ नंबरिंग नहीं कर दिया है, ये पूरा सीव्ड इन है, मतलब ये ओवर टाइम ये नंबरिंग चला नहीं जाएगा विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर आपको इन जिमनास्टिक रिंग्स के एक रिव्यू देखना है देन गो चेक आउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर विच विल हेल्प यू डिसाइड इफ यू शुड बाई देम और नॉट। बट आई हाईली हाईली रिकमेंड कि अगर जिमनास्टिक रिंग्स ढूंढ रहे हो जस्ट गो ब्लाइंडली विद दिस। आई वर्कआउट विद देम डेली एंड आई कंप्लीटली लव दम।